हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड हेल्दी। मुझे पता है व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, पर उसके लिए सॉरी। तो अभी हम लोग आ गए हैं राजबाग, राजबाग रेस्टोरेंट सेक्टर 3 में लोकेटेड है, और इस एरिया का काफी अच्छा सिटिंग के हिसाब से, देखो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, एकदम प्रीमियम टाइप का फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये प्योर वेज है, और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका जो मेन्यू है काफी अफोर्डेबल है। तो आप आओगे ना तो मतलब आप 3-4 लोग भी आओगे तो 1000 के अंदर अंदर निपट जाओगे आराम से। और खाने का जो टेस्ट है बहुत ही प्यारा है, सही में बहुत ही मजा आ जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, देखते हैं आगे आगे कैसा क्या रहता है। भैया इधर लाइव जा रहे थे, इनको भी डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। और इसी के साथ फटाफट आज इस व्लॉग की स्टार्टिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। तो ये राजबाग का इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही प्यारी सिटिंग है, बिल्कुल ओपन एयर है। यहाँ पे आप खिड़की खोल देंगे तो बिल्कुल बाहर की ताज़ी ताज़ी हवा का मज़ा लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ का जो इंटीरियर है वो देख लो आप कैसा क्या है। ये एक एरिया है यहाँ पे, और पीछे जो है गार्डन, ये है पूरा ओपन एरिया। यहाँ पर है इनकी किचन, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप अपने हिसाब से आ सकते हो। लाइट थोड़ी डीम है, कम है, जानता हूँ, बट लोकेशन वाइज आपको बता रहा था, मैंने बता दिया। ये जो है ये दूसरा एरिया है, जो कि कह सकते हैं थोड़ा सा प्राइवेट है, क्योंकि यहाँ पे इस हिसाब से बना रखा है। वो वाला जो है फर्स्ट, और यहाँ पर सेकेंड। स्टार्टर्स में हमने खाया हरा भरा कबाब, आलू अंगारा और पनीर टिक्का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो रजत भैया को तो आपने देख लिया, वो आए हैं हमारे साथ, और कौन कौन आया है सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक बहन दिस साइड, शुभम भोरा। शुभम भैया, तो कैसा क्या लगा आपको स्टार्टर्स जो आपने खाए? काफ़ी अच्छे थे, पनीर टिक्का मसाला जो था काफ़ी अच्छा। जी जी जी, बाकी लोग भी काफ़ी सही थे। सही थे, पक्का जी। हेलो, नेहा फ्रॉम द फूडीलास। हम लोग ने अभी राजबाग में स्टार्टर्स ट्राई किए हैं। मेरा पर्सनली फेवरेट था हरा भरा कबाब। इफ यू कम हियर प्लीज डू ट्राई। थैंक यू। और मैं लास्ट ब्लॉग की तरह कुछ भी नहीं बोलूंगी। अरे बोलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। रवीना हियर फ्रॉम द अर्बन ईट। सो हमने अभी तक स्टार्टर्स ही ट्राई करे, सो मेरा भी पर्सनली ये रहेगा कि आप हरा भरा कबाब ट्राई करें। पनीर बहुत अच्छा था, आलू अच्छा था, कबाब अच्छा था, ठीक है। बिग फैन सर, ये सर के फैन है वो, ये जो छोटे लड़के हैं ये सर के फैन है, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। हमें भी कभी ऐसी फीलिंग लेने का मौका दीजिएगा, कभी मिले तो। बाकी तो ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये नया लड़का जो मार्केट में आया था अच्छे एक महीने पहले, फाइनली धमाके कर रहा है, खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, खुद से प्लान कर रहा है। इवन आज वाला जो मीटअप है वो भी पूरा इसने प्लान किया है। तो आप लोग अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसका चैनल, तो आपसे सब्सक्राइब कर देना। भाई चैनल का नाम क्या है? गजब बेइज्जती है। मौज कर दी बेटी, मौज कर दी। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, मजा आएगा। तो ये आ गया हमारा खाना गर्मा गर्म, जिसको हम ठंडा करके उसके बाद खाएंगे, क्योंकि हमारी आदत है। हमारे गर्म खाने की आदत नहीं है, बचता नहीं है गर्म। और ये पहले ऐसे 10 एंगल से फोटो ले जाएंगे, खाने को एकदम ठंडा किया जाएगा, एकदम ठंडा। वो आ चुका है तूफानी। सो मेन कोर्स में हमने खाया नान, पनीर तूफानी, गट्टा करी और दाल। तो पता नहीं कितनी देर लगेगी, खाने को मिलेगा या नहीं। खाना खाते टाइम रिव्यू नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी, पर खाना बहुत ही डिलीशियस था। अब इतने लंबे समय के बाद व्लॉग कर रहा था, तो मुझे पता नहीं नर्वसनेस हुई या क्या हुई, तो मैं व्लॉग सही से कर ही नहीं पाया। दुखों को दूर करने वाली बिरयानी, चमत्कारी बिरयानी। लास्ट में हमने खाई बिरयानी जो कि थोड़ी सी स्पाइसी थी, और फिर आए गुलाब जामुन जो कि बहुत ही सॉफ्ट थे, और इनका टेस्ट तो भैया क्या ही बताऊं। जरूर आना, इंटीरियर बहुत अच्छा है, मतलब एकदम इस एरिया में प्रॉपर फाइन डाइनिंग, मतलब
अच्छी कुर्सियाँ, अच्छा टेबल सेटअप, और आप आओगे तो आपको अलग ही वाइब फील होगी, तो बिल्कुल आइएगा। एट लास्ट हमने शेफ और ओनर से बात करी, हमने हमारा रिव्यू बताया। सो ये है पूरी राजबाग की टीम, जो शेफ है वो तो बिजी है इसलिए चले गए, अब यहीं थे, उनको सब बताया अपना जो भी हमारा रिव्यू था भैया ने सब ने, और ये ओनर है पूरी टीम को थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो बस खाना बहुत ही डिलीशियस है, जो आपको भैया ने बोला है वो आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, और बहुत ही मजा आया यहाँ पे, एक्सपीरियंस जो बाहर का है वहाँ पे बैठ नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, राइटिंग नहीं थी वैसे हमारे हिसाब से, बाकी यहाँ का जो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, फैमिली रेस्टोरेंट है, रेट बहुत ही अच्छी है, और जो भी इनके लोकेशन है डिस्क्रिप्शन में रहेगी, बस यही है यहाँ का पूरा ब्लॉथ बाजार सो गाइस, होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कम बाय।